वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे एसएससी जीडी के कट ऑफ के सच के बारे में, कितना झूठ कितना सच। क्योंकि अब तक जितने भी चैनल हैं, सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल से लेकर बड़े बड़े चैनल तक, जो एसएससी जीडी से ही आज बड़े बड़े नाम हो गए, मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए, तो क्या सच है कितना झूठ है, क्या सच में इनके बताए हुए कट ऑफ पे ही काम होता है, तो सब कुछ समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब से 18 फरवरी से आंसर किया है तब से लगातार कट ऑफ पे वीडियो बनने जा रहे हैं। ये काम छोटे चैनल करें तो समझ में आता है, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल हुए भी एक साथ 6 वीडियो 7 वीडियो कट ऑफ पे डाल चुके हैं, इतना हाइप क्रिएट किए हैं कट ऑफ पे, और इस टॉपिक को मिल करके जितना ज़्यादा व्यू कमाया जा सकता है उतना कमाएं, तो ये अब बहुत नॉर्मल हो गया है कि बच्चों को किस तरीके से पागल बना के व्यू छापा जाए। तो हम बात करते हैं आज के टाइम पे एसएससी जीडी से ही फेमस चैनल रोजगार भी थंकित के कट ऑफ पे। तो आप देख सकते हैं कि 16 जनवरी के शिफ्ट पे आप देख सकते हैं कि 99 नंबर ये एवरेज बता रहे हैं, और अगर प्लस होता है तो 0.898% नंबर प्लस होगा, और जब माइनस होगा तो 5 नंबर से ज़्यादा माइनस होगा, इनका कहना ही है। अब हम IQ पे जाकर देखते हैं रैंक IQ पे क्या कहता है। तो रैंक IQ पे जो एवरेज बता रहा है वो 67.42 एवरेज बता रहा है। उस दिन पे अगर हम और आगे डिटेल पे चर्चा करें तो आप देख सकते हैं जो कैटेगरी एवरेज बता रहा है 83 बता रहा है, शिफ्ट एवरेज जो बता रहा है 71 बता रहा है। तो 71 शिफ्ट एवरेज बता रहा है यहाँ पे 16 तारीख शिफ्ट 1 पे, और जो इन्होंने बताया 16 तारीख शिफ्ट 1 में वे 99 बताया। और ये लोग सारे लोग जितने भी यूट्यूबर डाटा लेके आ रहे हैं सब बोल रहे हैं कि हम डाटा पे हैं, जितने लोग कट ऑफ ला रहे हैं बोल रहे हैं हम डाटा पे हैं, और ये डाटा इनके पास कौन सा है, जो बच्चे दिए हैं, और इनको बच्चे डाटा वही दिए हैं जिनका अच्छा नंबर आया है। तो ये लोग जो भी कट ऑफ बता रहे हैं वो भी कट ऑफ में कितना सेफ खेलते हैं ये लोग, पहले 110 नंबर एक्सपेक्टेड कर देंगे कि 110 नंबर पे आपको यूपी जनरल में मिल जाएगी, उसके बाद क्या होगा वहां पे बोलेंगे 4 से 5 नंबर का हाइप देखने को मिल सकता है। अगर हम 4 से 5 क्वेश्चन का हाइप देखने को मिल सकता है, मतलब 120 नंबर, ये लोग बिल्कुल सेफ खेलते हैं। इनका कट ऑफ वैसा ही होता है जैसे कि न्यूज वालों का एग्जिट पोल होता है चुनाव से पहले, अगर उस रेंज में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी पहले से बच जाएंगे कि अरे हम तो बोले ही थे कि इतना नीचे जा सकता है। तो लोग उसी तरीके से कर रहे, जो भी एग्जाम पूर्व हो रोजगार भी थंकी, तो जितने भी चैनल हैं 8 से 10 वीडियो लगभग कट ऑफ पे ला चुके हैं और व्यू छाप चुके हैं, और ये वीडियो लोग लाते रहेंगे। और इनकी वीडियो कितनी सच होती है, आप जब यूपी बीएड का रिजल्ट आया था उस टाइम पे भी ये लोग 350 नंबर का बताए थे कि इस पर कॉलेज हो जाएगा, लेकिन क्या सच्चाई आप लोग जाके देख सकते हैं, इनके चैनल पे वीडियो होगी और कितना मेरिट बनी थी वो भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो से बच करिए, और जिनका 95 से 105 के बीच में नंबर है ज़्यादा चांस है कि उनका हो जाएगा, होने की प्रबल संभावना रहेगी, तो आप लोग अपना रनिंग जारी रखिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है समय कम मिला है। जो पहले के टॉपर थे, धुरंधर थे, जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उनकी हालत इस बार ख़राब हुई है। तो आप थोड़ा सा बच के रहिए, इन लोगों से बच के रहिए, अपना रनिंग जारी रखिए, इन लोगों के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि इन लोग को बस व्यू छापना है, डेली बेसिस पे कट ऑफ के वीडियो लाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डाटा मिल्क होता है, अगर 35 लाख बच्चे भी पेपर दिए हैं तो ये लोग 50,000-60,000 बच्चों पे पूरा सब फिल्म बना देते हैं, वो भी फिल्म बनाते हैं पूरा 40-40 मिनट की फिल्म बना के रख देते हैं। तो आप लोग ऐसे फिल्मों से थोड़ा बच के चलिए जब तक एसएससी का ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता। और जो मैं बता रहा हूँ 105 नंबर वालों को जनरल से सलेक्शन मिलेगा, और बुलाने के लिए, दौड़ने के लिए 94 से 97 के बीच में बुलाया जाएगा जनरल वालों के लिए। यूपी वालों को बता रहा हूँ, तो अब इसी कैटेगरी से आप सोच सकते हैं। तो पेशेंस रखने के साथ और हौसला मत हारिए, हिम्मत मत हारिए, आप लोग दौड़िए और सिलेक्शन लीजिएगा, और हम भी यहीं आप भी यहीं हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इस और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।